हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेक। और बताइए कैसे हैं आप और आपकी इम्यूनिटी कैसी है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे और आपने अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना रखा होगा। और वैसे भी अब तो हर कोई जानता है इम्यूनिटी का मतलब और इसे स्ट्रांग बनाए रखने के तरीके भी। लेकिन क्या आप बॉडी में मौजूद ऐसे सुपर हीरो के बारे में भी जानते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है और इन्फेक्शन से लड़कर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता रहता है। इस सुपर हीरो का नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC अपना काम बखूबी करती हैं, जब तक कि हम उसके काम में कोई अड़ंगा ना लगा दे, यानी अपनी हेल्थ के लिए लापरवाह होकर आए दिन किसी न किसी इन्फेक्शन को पास ना बुलाते रहे। लेकिन ये WBC असल में है क्या, ये कहाँ पाई जाती है, क्या ये कई तरह की होती है, ये RBC से किस तरीके से अलग है और ये काम कैसे करती है, ये सब जानना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, खासकर तब जब हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और बॉडी के सुपर हीरो के बारे में करीब से जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंड करती है। ये हमारे ब्लड का हिस्सा होती है, यानी ब्लड में RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के साथ WBC भी मौजूद होती है। ब्लड में इनका परसेंटेज लगभग 1% ही होता है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये ब्लड में सर्कुलेट होती है ताकि बॉडी के ऐसे एरिया तक ट्रांसपोर्ट हो सके जहां इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो। ये WBC कई तरह की होती है, जिनमें से कुछ WBC तो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में बिजी रहती है, तो कुछ एंटीबॉडीज बनाकर बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करना पसंद करती है। लेकिन इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? सिंपल है, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता और इनका कलर व्हाइट होता है। और क्या पता इस सुपर हीरो का फेवरेट कलर भी व्हाइट ही होता हो। एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल्स करती है और फिर 80-90% WBC को बोन मैरो स्टोर करती है। बोन मैरो के अलावा लिम्फ नोड्स और स्प्लिन में भी WBC प्रोड्यूस होती है। जब कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स को रिलीज करती है ताकि इन्फेक्शन से फाइट किया जा सके। ये व्हाइट ब्लड सेल्स इररेगुलर शेप की होती है और इनके सेंटर में एक बड़ा न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। WBC का डायमीटर 10 से 17 माइक्रोमीटर के बीच होता है। हमारी बॉडी को फॉरेन इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करने वाली WBC की लाइफ बहुत ही छोटी होती है, यानी सिर्फ 12-20 दिन, जिसके बाद वो लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में ये सब जानने के बाद इतना तो समझ में आया कि ये रेड ब्लड सेल्स से यानी कि RBC से काफी अलग है। इनका साइज, शेप, कलर, काम सब कुछ डिफरेंट है। ऐसे में हमें RBC और WBC के बीच के मेजर डिफरेंसेस पर भी एक नजर तो डाल ही लेनी चाहिए। और अगर आपने RBC पर बना वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप उसे जरूर से देखिएगा। चलिए अब जरा डिफरेंस देखते हैं, यानी RBC वर्सेस WBC। RBC जहां रेड कलर की होती है, वहीं WBC को व्हाइट कलर पसंद होता है। RBC बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है, तो WBC की शेप इररेगुलर होती है। RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि WBC में लार्ज न्यूक्लियस होता है। RBC की लाइफ 120 दिन की होती है, तो WBC की बस 12-20 दिन। RBC का साइज छोटा होता है, तो WBC का साइज बड़ा होता है। RBC एक ही तरह की होती है, जबकि WBC के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। RBC केवल रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, तो WBC रेड बोन मैरो के अलावा लिम्फ नोड्स और स्प्लिन में भी प्रोड्यूस होती है। RBC का मेजर कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है और WBC का एंटीबॉडीज। RBC डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि WBC एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इन्फेक्शियस माइक्रोब से फाइट करती है। RBC फॉर्मेशन का प्रोसेस एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, जबकि WBC फॉर्मेशन प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। RBC ह्यूमन ब्लड का 40-50% बनाती है, जबकि WBC केवल 1%। लेकिन इन दोनों में एक समानता ये है कि ये दोनों ही ब्लड सेल्स बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका नॉर्मल रेंज में बने रहना हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो भाई, ये तो हुआ ब्लड टीम के इन दो प्लेयर्स के बीच का डिफरेंस और समानताएं, जिसके जरिए WBC को समझ पाना आपके लिए ज्यादा आसान हो गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं WBC के वो एजेंट्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने काम में बिजी रहना पसंद करते हैं। और WBC के ये 5 डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1, न्यूट्रोफिल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का लगभग आधा हिस्सा तो न्यूट्रोफिल्स ही कवर कर लेती है,
यानी इस टाइप की WBC सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होती हैं, जो इम्यून सिस्टम की अदर सेल्स को अलर्ट का सिग्नल भेजती हैं और उन्हें उस जगह बुलाती हैं जहां पर हमला हुआ है। तब तक ये बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करके उन्हें बॉडी से दूर करने में जुटी रहती हैं। क्या आप इस इंटरेस्टिंग से फाइट सीन को इमेजिन कर पा रहे हैं? बोन मैरो से रिलीज होने के बाद ये सेल्स केवल 8 घंटों तक जिंदा रहती है और हर दिन बॉडी लगभग 100 बिलियन न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करती है, जो कि अपना काम बखूबी पूरा किया करती है। नंबर 2 पर है ईओसिनोफिल्स। बैक्टीरिया से फाइट करने में ईओसिनोफिल्स भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है और पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे कि वर्म्स इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी होती है। ये WBC का 5% बनाती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स देने में हेल्प करती है। नंबर 3 पर है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स WBC का केवल 1% हिस्सा ही कवर करती हैं और इन सेल्स की लाइफ केवल 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन ये सेल्स कुछ अर्ली कैंसर सेल्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं और अस्थमा अटैक के दौरान हिस्टामिन केमिकल रिलीज करती हैं, जिससे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। बेसोफिल्स इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को मिलाकर के ग्रैन्यूलोसाइट्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं। और अब जानते हैं नंबर 4 पर लिम्फोसाइट्स के बारे में। ये सेल्स WBC का 4% बनाती हैं। लिम्फोसाइट्स 2 फॉर्म्स में मिलती है, बी सेल्स और टी सेल्स, जिनके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी बी सेल्स ऐसी एंटीबॉडीज बनाती है जो अपने दुश्मन को यानी इन्फेक्शन को याद रखती हैं, और अगर दोबारा ऐसा कोई पैथोजन बॉडी के संपर्क में आ जाए तो ये उसे मजा चखाने के लिए तैयार रहती है। वहीं टी सेल्स स्पेसिफिक फॉरेन इन्फेक्शंस को पहचानने और उन्हें तुरंत किल कर देने में यकीन रखती है, और इन्फेक्शन करने वाला फॉरेन एजेंट अगर दोबारा दिख जाए तो उसे पहचान कर तुरंत रिस्पॉन्स करना भी इन्हें अच्छे से आता है। नंबर 5 पर है मोनोसाइट्स। इम्यून सिस्टम का गार्बेज ट्रक होती है मोनोसाइट्स, जो WBC का 5-12% बनाती है, और इनका काम बॉडी से डेड सेल्स को क्लीन करना होता है, और ये भी वाकई में एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो दोस्तों, ये तो हुए 5 different types WBC के, जिनके बारे में जानकर तो यही लगता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाए रखती होंगी। लेकिन फिर हम बीमार कैसे हो जाते हैं? क्या WBC काउंट किन्हीं कारणों से कम या ज्यादा हो जाता है? आइए जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज 4 से 11,000 पर माइक्रोलीटर ब्लड होती है, और एक नॉर्मल अडल्ट में पर माइक्रोलीटर ब्लड में एवरेज 7,000 व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं। और अगर बॉडी में मौजूद WBC काउंट इस रेंज से बाहर हो तो समझ लीजिए कि बॉडी में किसी न किसी इन्फेक्शन ने जगह बना ली है। जब WBC काउंट 4,500 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो ये नॉर्मल काउंट से कम हो जाती है और इसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। लो WBC काउंट के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सेप्सिस इन्फेक्शन, ल्यूकीमिया, बोन मैरो डिसऑर्डर, कैंसर ट्रीटिंग मेडिसिन या HIV। लो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट के सिम्टम्स में हाई फीवर, ठंड लगना और पसीना आना शामिल है। लो WBC काउंट को नॉर्मल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे हेल्दी डाइट ली जाए जिसमें लहसुन, पालक, ब्रोकली, दही के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन B12 और जिंक शामिल हो। इसी तरह जब WBC का काउंट नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है तो उसे ल्यूकोटोसाइसिस कहा जाता है। इसके रीजंस पे ऐसी मेडिसिन आ सकती है जो WBC काउंट को इंक्रीज कर दे, जैसे एल्ब्यूटेरॉल, लिथियम एक्सेट्रा। और इसके अलावा स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी इंफ्लेमेटरी डिजीज और टिश्यू डैमेज भी इसके रीजंस हो सकते हैं। हाई WBC काउंट को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए आप तनाव यानी कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें, स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज करें, कैलोरीज कम करें और स्मोकिंग को स्टॉप कर दिया जाए। हाई WBC काउंट के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी में पेन, फीवर, ठंड लगना और सिरदर्द होने जैसे सिम्टम्स बढ़ जाए तो ये भी WBC लेवल हाई होने की तरफ इशारा करते हैं। और जब बॉडी में ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे जो WBC काउंट के अबनॉर्मल होने का इंडिकेशन दे, जैसे कि एलर्जी, इन्फेक्शन, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट के जरिए WBC काउंट के लिए कह सकता है, जिसका पता जनरली CBC टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है। और WBC काउंट नॉर्मल रेंज से बाहर आने पर डॉक्टर फर्दर टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में आपने बॉडी के सुपर हीरो ब्लड सेल्स यानी WBC के बारे में काफी कुछ जान लिया है, और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काफी काम आएगी, आती रहेगी, और आगे भी ये जानकारी आपको काफी सारे लोगों के साथ शेयर करनी है।
ताकि उन्हें समझ में आए कि WBC का कितना बड़ा रोल है और अगर ये हाई होती है लो होती है तो उसे कैसे बैलेंस करना है। तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और आगे कोई ऐसा ही सवाल है जिस बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। बाकी जानकारियां और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही, लेकिन उससे पहले क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारियां और वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।